और इनका जो पूरा नाम है ये नंबर है, लेकिन नंबर अभी स्विच ऑफ है, और इनका नाम है ओमवीर सिंह। तो भैया ओमवीर सिंह, आपसे निवेदन है कि ऐसा लोगों के साथ आप फ्रॉड ना करें। और मैं तो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं सीधे सीधे आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप उस मैम के पैसे रिकवर नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो मैं ये साइबर क्राइम के तहत ये नंबर आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करूंगा, और आपके खिलाफ मैं केस भी दर्ज करूंगा, ये तो आप कंफर्म कर लो। और आप पैसा लौटा दो, चाहे आप अपना नाम बताओ या ना बताओ, वो अलग चीजें हैं, लेकिन पैसा आप रिकवर कर दो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। प्लीज आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं एक वाकया बोलूं या फिर इंसिडेंट जो कि कल हमारे साथ हुआ है, और जो एक मैम है तमिलनाडु से, उनसे जो है रॉ मटेरियल के संदर्भ में, मतलब रॉ मटेरियल की उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उनके बेस में किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी फ्रॉड व्यक्ति ने, फ्रॉड ही बोलना मैं सही समझूंगा, हमारे नाम से, मतलब हमारे चैनल के नाम से या फिर मेरे नाम से उन्होंने मटेरियल देने की बात कही, लेकिन मटेरियल दिया नहीं, और पूरा पैसा और पूरा पेमेंट उनसे ले लिया। और ये जो चीजें हुई हैं, ये लगभग लगभग 6 से 7 दिनों के बीच में हुई है, अंदर में हुई है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे कल वो जिनके साथ, जो मैम है उनके साथ फ्रॉड हुई है, उन्होंने बताई है। तो इसके बेस में आज का ये वीडियो है, और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी गलतियां हुई है और वो फ्रॉड जो है उनसे पैसे ले लिए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम्स और किसी के साथ ना हो, इसके लिए आज का ये हमारा वीडियो है। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे उनसे किस तरीके से उस फ्रॉड ने पैसे लिए हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दरअसल जो चीजें हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, और जो मैम है जिनसे फ्रॉड हुई है, तो उसके बेस में जो है क्या क्या चीजें हुई उनके साथ, तो वो सारी चीजें बात करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले, मतलब 30-31 तारीख को हम मान सकते हैं कि मैम का मैसेज आया कि हमें कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स हमसे चाहिए। सो उनको रॉ मटेरियल मसाला पत्ती, जो हम मसाला पत्ती का जो फॉर्मुलेशन मैं दिया था, उनके मटेरियल्स उनको चाहिए थे। तो हुआ क्या कि मेरे पास कुछ पाउडर्स नहीं थे, तो मैंने मैम को कहा कि आप कुछ दिन वेट कीजिए, फिर मैं आपके लिए सारे पाउडर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो मैं उनको आपको मैं सप्लाई कर दूंगा। ऐसी मैम से बात हुई थी व्हाट्सअप मैसेज के जरिए से। व्हाट्सअप मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, तो ये रहा व्हाट्सअप। और उसके बाद जो है मैंने 6-7 दिन से मैंने मैसेज नहीं किया, फिर मेरे को एक सीधा मैसेज आया कि मेरा जो रॉ मटेरियल, मतलब मैम का मैसेज आया कि मेरा रॉ मटेरियल जो है आप भेज दिए हैं क्या? पैसा तो मैं पूरा पे कर चुकी हूँ। मतलब ये ऐसा हुआ कि जो मेरी व्हाट्सअप नंबर थी उनसे मेरा चैट हुआ था, लेकिन जो पेमेंट वो उन्होंने किया था वो किसी दूसरे अन्य एक व्यक्ति का नंबर था, जिसे हम फ्रॉड मान सकते हैं, फ्रॉड ही है वो, लगभग लगभग फ्रॉड ही है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा जो चैट था उसमें वो चैट ना करके किसी अन्य व्यक्ति के व्हाट्सएप से वो चैट कर ली, और जो है ये नंबर उनको कहाँ से मिला वो भी मैं बताता हूँ। तो ये नंबर उन्होंने निकाला था यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट बॉक्स होता है, तो वहां पे मैं, कोई कस्टमर जो है रिक्वायरमेंट करता है कि आपका नंबर दीजिए, तो उस बेस में क्या होता है कि मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, लेकिन मैडम ने किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर वहां से ले लिया, जो कि अब वो है कौन, किसका नंबर था, कैसे था, वो नहीं। तो ये है हमारा चैनल, और इसमें आप देखेंगे जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो मान के चलो हम एक वीडियो जो है खोलते हैं। सो ये हमने वीडियो खोल ली, अब नीचे क्या है, कमेंट्स आते हैं काफी सारे, और कमेंट में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी को पाउडर चाहिए, मटेरियल चाहिए, प्राइस जानना हो, तो वो सारे कमेंट करते हैं। तो कमेंट करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किसी ने कमेंट किया कि प्राइस ऑफ दिस मशीन, तो इसमें मैंने रिप्लाई किया है, तो ये मैंने अपने तरीके से रिप्लाई कर दिया। और कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता, चाहे वो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट किया हो, चाहे प्राइस डिटेल, तो उस बीच में क्या होता है, जो फ्रॉड होते हैं, जो फ्रॉडर होते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं, वो उसमें अपना जो है नंबर छोड़ देते हैं, अपना नंबर दे देते हैं उस कमेंट बॉक्स में, जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, ताकि उनको सीधा वो कनेक्ट करके उनसे पैसा ले सके फ्रॉड के रूप में। तो जैसे मेरा मैम की यही गलती हुई थी कि वो नंबर ना पहचान पाए, मतलब मैम ने नंबर जो है नहीं पहचान पाया कि ये किनका है, और सीधे उनके व्हाट्सएप में घुस गई, और उनके व्हाट्सएप में जाने के बाद जो है उनसे वो फ्रॉड किया गया है। तो जैसे एक चीज और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि
कि जब मैं कमेंट्स करता हूं और उनका रिप्लाई देता हूं तो किस तरीके से होता है। जैसे कि ये हमारा चैनल है और कमेंट सेक्शन है, तो यहाँ की मैं स्क्रीन थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। तो स्क्रीन आप देखिए, जैसे इस सर ने कमेंट किया, तो कमेंट करने के बाद मैंने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई देखो लाइक भी करता हूं मैं तो एक छोटा सा पॉपअप आपको दिखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा। तो मेरा चैनल का जो है लोगो होता है और उसमें जो है हार्ट का साइनिंग होता है, छोटा सा दिल का जो है सिग्नेचर बना होता है। तो ये मैं अपने तरीके से करता हूं तो ऐसा होता है। और उसी बीच में अगर मैं रिप्लाई करूं या फिर नंबर दूं किसी को, तो मेरा जो है यहाँ पे लोगो दिखेगा और जो मैं कमेंट करूंगा तो उसका उनकी वो सारी चीजें होती हैं। और इसी बीच क्या होता है ना कि कई सारे लोग जो है, जैसे मैं काफी सारे लोगों की रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो उन लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को जो है अपना बकरा बना लेते हैं और वहां छोड़ देते हैं अपना नंबर, फिर वो मेरे से कनेक्ट ना होके, मेरे व्हाट्सएप में ना जुड़ के सीधा उनके व्हाट्सएप में जाके जुड़ जाते हैं और यहीं से जो है वो उनसे फ्रॉड कर लेते हैं। और यही चीजें मैम के साथ हुई है, जो कि मैं चाहता हूं कि और किसी लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा होता है वो हमारी कमाई का होता है और हमारा बहुत मुश्किल से सारी चीजें पैसा जो है इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ये तो हो गई चैनल की बातें जिसमें कि गलतियां मैम ने की हुई थी। अब आते हैं व्हाट्सएप पे। तब अब मैम सीधा मेरे को 7-8 दिन बाद मैसेज करती है कि मेरा मटेरियल और माल जो है रेडी हो चुका है, क्या मैंने पेमेंट कर चुकी है, मैं पेमेंट कर चुकी हूं। तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि मैं तो किसी से अभी डील नहीं किया हूं, 3-4 दिनों के अंदर मैं किसी से अभी डील नहीं किया हूं, तो ये मैम क्या बोल रही है। और इनको तो मैंने वेट करने को कहा था, मतलब रुकने को कहा था, फिर फोन कॉल्स में बात हुआ, तो मैंने सीधा यही बोला कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा भेज चुकी हैं और वो आपसे फ्रॉड कर चुका है, मतलब आपका पैसा लेके वो बिल्कुल नंबर वगैरह बंद कर दिया था और जो मैम है वो किसी दूसरे चैट में वो उनसे पैसा भेजी थी। तो ये है उनका जो फ्रॉड है, उनका मैं नंबर आपको दिखाता हूँ, वो क्या क्या चीजें करके रखा हुआ है। तो वो इस तरीके से जो है अपना नाम रखा हुआ है व्हाट्सएप में, जिसे आप देख सकते हो अगरबत्ती रॉ मटेरियल, अगरबत्ती का स्पेलिंग भी लिखने नहीं आया इनको। और उसके बाद ये उनका फर्स्ट स्क्रीनशॉट मैंने उनको भेजने को कहा था और कुछ इस तरीके से पाउडर उनको भेजे हैं, फोटो भेजे हैं, पाउडर तो कुछ मटेरियल उनको दिया ही है, खाली फोटो वगैरह बस भेजे हैं। और ये वही फोटो है जो कि आपको गूगल पे देखने को मिलेगा, फेसबुक पेजों में मिलेगा। तो फोटो भी उनके पास नहीं है, आप सोच सकते हो, मतलब वो गूगल का फोटो उठा के अपना जो है छोटा सा कैटलॉग बना लिया है। तो इस चीजों को भी ध्यान रखें, आप जैसे कोई किसी पार्टी से आप डील कर रहे हैं तो उनको बोलें कि आपका जो रियल का जो कैटलॉग है वो दिखाइए और अपना कंप्लीट एड्रेस और जीएसटी के साथ हमें देखना है, ऐसा आप ये सारी चीजों के बारे में जरूरी है और ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये सारी फोटो है जो कि उनको दिया गया। और ये दूसरी चीज, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो भी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि ये उनका जो है उनने एक लिस्ट भेजा कि मुझे कुछ कुछ ये मटेरियल चाहिए, पेन और कॉपी से लिख के भेज दिए। तो उस आदमी ने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया कि वो जैसा जैसा लिस्ट था उसी लिस्ट से उसने प्राइस भी डिटेल लिख के मैम को भेज दिया कच्चे बिल पे। और कच्चे बिल पे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे मैम ने जो है पेमेंट किया था 31, मतलब उनका जो बिल टोटल बिल वो उस फ्रॉड ने बनाया था 3138 रुपए का जो है बिल बनाया था, ठीक है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि जब आप कहीं भी किसी दूसरे स्टेट से, मतलब किसी दूसरे राज्य से आप माल मंगवाते हैं, तो एक बात ध्यान देना कि जो बिलिंग होती है ना, बिलिंग होती है वो जीएसटी इनवाइस के साथ होती है। इन चीजों का आप ध्यान जरूर दें, चाहे मैं 100 रुपए का माल बेचूं, चाहे 1000 का बेचूं, चाहे 10000 का, चाहे 1,00,000 रुपए का, मैं बिना जीएसटी और बिना इनवाइस के मैं बेचता ही नहीं हूं। तो उन्होंने क्या किया, कच्चे बिलों पर उनको पेमेंट कर दिया और कच्चे बिलों के साथ ये सारी चीजें नहीं की जाती। आप ध्यान रखिए, जो नए लोग हैं वो ज्यादातर इसमें फंसते हैं और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये बहुत गलत चीजें हैं। अगर आपको कुछ जानकारी है तो जीएसटी के साथ आप सारी चीजें करवाइए, ना कि कुछ परसेंट के लिए, कोई ज्यादा परसेंटेज ज्यादा नहीं लगती अगरबत्ती में, 5% की जीएसटी लगती है पाउडर्स और रॉ मटेरियल के बेस में, ऑयल वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतना ही है। सो उसको बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कीजिए आप। बाय द वे, आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो जाता है कच्चे के साथ में, तो आप जहां भी कंप्लेन करेंगे तो आपके पास जो प्रूफ ही नहीं रहेगा। अगर जीएसटी है तो उनके पास, उनके साथ आप क्लेम कर सकते हो। तो ये बातें हैं, तो कच्चे बिलों पे कभी भी डील नहीं करनी चाहिए, इतना आप मान के चलो। तो गलती यही हुई, कच्चे बिलों पे मैम ने उसको पेमेंट कर दिया। आपको दिखा रहा हूं, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि ये जीएस रावत
जी एस रावत करके इनका नाम है और इनको पेमेंट जो है 3600 रुपये का भेजा गया है। तो यही है फ्रॉडर, इसका दो नंबर है, मतलब गूगल पे में अलग नंबर है और एक और है उनका, एक नंबर मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारे जो आपको पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर दिख रहे हैं, वो सब उन्हीं ने भेजा है इनको, मतलब उन्होंने भेजा है पूरा कि ये हमारे मटेरियल्स हैं और इनके प्राइस लिस्ट है ऐसा। तो इसमें एक चारकोल है, T1 है, आपको किसी भी तरीके से वो फ्रॉड बना सकते हैं, मतलब आपके साथ जो है जालसाजी कर सकते हैं। सो वो सारी चीजों के फोटो रखे हुए हैं, जोश जिगर, DP ऑयल, परफ्यूम्स, ये वो सारी चीजों के बारे में। और उनको इतना भी नहीं पता कि किन किन मटेरियल्स के कितने कितने प्राइसेस हैं। मैं लिस्ट आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। तो इसमें आप देखिए, कुछ कुछ ऐसे पाउडर है जिनको वो इतना महंगा बेचे हैं, तो अभी जो है जो खरीदने वाला है उनको भी ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये मटेरियल इतने महंगे कैसे हैं। तो ये दूसरी तीसरी गलती ये भी है एक। और देखिए यहाँ पे जटामासी जो पाउडर होती है उनको 800 रुपये किलो में इनसे बिल लिया गया है, जबकि जटामासी का जो पाउडर है 200-250 रुपये में मिल जाता है। और उसी के साथ साथ और कुछ बताऊं तो बैम्बू स्टेक का 100 रुपये केजी के हिसाब से इनको दिया गया है, मतलब रेट दिया गया है, माल मटेरियल तो कुछ मिला ही नहीं है। और वैसे कुछ कुछ चीजों के कुछ ऐसे दाम जो कि नहीं होना चाहिए उतना बड़ा बड़ा के बेचे हैं। तो कुल मिला के उनको अगरबत्ती बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना कि पाउडर्स के बारे में नॉलेज है। वो सीधा सीधा मैं यहीं से समझ गया कि ये तो कंप्लीट, मतलब 100% ये फ्रॉड ही आदमी है। चलो ये चीजें तो हो गई, मैं एक चीज और दिखाना चाहता था, उनका नंबर और उसमें नाम लिखा है ओमवीर सिंह, ओमवीर सिंह, और इनका जो है अगरबत्ती रॉ मटेरियल ऐसा कुछ व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का नाम है। और इनका जो पूरा नाम है ये है, ये नंबर है, लेकिन नंबर अभी स्विच ऑफ है, और इनका नाम है ओमवीर सिंह। तो भैया ओमवीर सिंह, आपसे निवेदन है कि ऐसा लोगों के साथ आप फ्रॉड ना करें। और मैं तो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सीधे सीधे आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप उस मैम के पैसे रिकवर नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो मैं ये साइबर क्राइम के तहत ये नंबर आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करूंगा और आपके खिलाफ मैं केस भी दर्ज करूंगा, ये तो आप कंफर्म कर लो। और आप पैसा लौटा दो, चाहे आप अपना नाम बताओ या ना बताओ, वो अलग चीजें हैं, लेकिन पैसा आप रिकवर कर दो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। और ये है गाइस, उसका नंबर जो है ये है 8233769290। इस नंबर से आप बिल्कुल भी आप ध्यान रखें और ऐसे लोगों से बच के रहे, मैं सही बता रहा हूं आपको। सो बस गाइस, यही था आज का, ये सारी चीजें, और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से उनसे पैसे जो है लिए गए हैं। और उम्मीद यही रखूंगा कि आप इन जैसे जालसाजों के बीच में ना फंसे। मेरे से बार बार मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं कि आप इन चीजों से बच के रहें, और जब भी किसी से आप बिल वगैरह या फिर कोई मटेरियल्स खरीदें तो GST बिल के साथ खरीदें, ना ही कच्चे में खरीद लें, या फिर उनसे क्या होता है कि कभी कभी ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको माल भेज देंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी ना कीजिए, पक्के बिल पे काम कीजिए, तो आपके साथ कभी भी ये फ्रॉड और ये सारी चीजें नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस में आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।